नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज का मेरा विषय है डीपी क्रॉस चिक्स का सेकंड डे व लिक्सन पाउडर का उपयोग चिक्स में किस प्रकार से करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सर्वप्रथम दूसरे दिन जो ब्रूडिंग हाल का जो पेपर बिछा हुआ है उसी पेपर के ऊपर नया पेपर बिछा दें। पहले एक तरफ से पेपर बिछाएँ, फिर दूसरी तरफ से पेपर बिछाएँ, जिससे चिक्स को बिना लग किए संपूर्ण ब्रूडिंग हाल का पेपर नया हो जाए। पेपर बदलने का मुख्य कारण है चिक्स को खाने में तकलीफ ना हो व ब्रूडिंग हाल में साफ सफाई हो जाए, गंदगी ना रहे, जैसे कि उसमें अमोनिया गैस ना बने। स्क्रीन पर आप जो लाइव देख रहे हैं यह लिक्सन पाउडर है, इसको चिक्स को सेकंड दे दिया है, इसको 3 दिन तक दूंगा। सुबह के समय 1 लीटर पानी में इसको 1 ग्राम देना है। आप हाथ में देख रहे हैं ये 1 ग्राम पाउडर है, पानी 1 लीटर है। 200 चिक्स पे 2 बर्तन पे मैंने इसको 1-1 ग्राम दिया हुआ है। इसको देने का यह फ़ायदा रहता है चिक्स उम्र रहा है, चिक्स स्वस्थ है या चिक्स बीमार है। कुछ चिक्स क्या रहते हैं, खड़े खड़े ऊँगते रहते हैं व फीड अच्छे से नहीं खाते, तो चिक्स के अंदर का जो बैक्टीरिया है वह भी इस एंटीबायोटिक पाउडर से मर जाता है और चिक्स काफ़ी स्वस्थ हो जाता है और चिक्स से अच्छे से दाना चुगने लगता है और मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा करने लगता है। जब भी चिक्स बीमार पड़ता है उसको लिक्सन पाउडर या टेट्रासाइक्लिन पाउडर दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो रहता है हल्का एंटीबायोटिक है, लिक्सन जो पाउडर रहता है इससे थोड़ा तेज एंटीबायोटिक है। दोनों में से किसी एक पाउडर को 3 दिन तक 1 लीटर पानी में 1 ग्राम तक देना पड़ता है। कृषक भाइयों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चिक्स का सेकंड डे है और चिक्स बीमार भी नहीं है, फिर भी आप इसको लिक्सन पाउडर क्यों दे रहे हैं। इसका यह प्रमुख कारण है कृषक मित्रों, बहुत से चिक्स शुरुआत में स्वस्थ रहते हैं, एक जगह खड़े होकर ऊँगते रहते हैं व दाने अच्छे से नहीं चुगते, इसलिए मैंने चिक्स को सेकेंड डे लिक्सन पाउडर दिया है, जिससे चिक्स मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से करने लगेंगे और जो चिक्स स्वस्थ हैं वह भी काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे और दाना काफ़ी अच्छे से चुगने लगेंगे और जो चिक्स हल्के से बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आर के ब्रीडर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए।